नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 1000 और 500 के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला और जरूरी फैसला। निश्चित तौर पर यह पहली बार नहीं हुआ है हमारे ही देश में। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब 10,000 का नोट चलन में आया था, उन्होंने बंद करवाया था और उस वक्त भी उद्देश्य यही था कि काले धन पर रोक लगे। लेकिन तब में और अब में बहुत बड़ा फर्क है। तब जिस स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था थी, अब भारत की अर्थव्यवस्था जिस स्तर पर है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भारत की अर्थव्यवस्था कहीं आगे जा चुकी है और अर्थव्यवस्था का स्तर बहुत अलग है। लोगों की आय कई गुना बढ़ गई है, जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है और पैसे का जो प्रभाव है बाजार में वो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस कदम की बात ऐसा नहीं कि कोई अनोखा कदम है जो किताबों में नहीं लिखा था और कर दिया गया। आप देखिए कि डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जिक्र अर्थशास्त्रियों ने कर रखा है काफी पहले से। दिक्कत यह है कि ऐसे कदम को उठाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारा साहस और उससे होने वाले संभावित प्रभावों से निपटने की तैयारी चाहिए। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार 6 महीने से इसकी तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से इसको गोपनीय रखा गया, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2000 के नोटों को पहले से ही लाकर बैंकों तक पहुंचा दिया गया, जिस तरीके से इसको घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद सामने आया और उन्होंने घोषणा की, मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया है। हम इसका कुछ तात्कालिक प्रभाव जो हमको लग रहा था कि होगा, बाजार में जिस तरह की अफरा तफरी है, भाग दौड़ है, जेब में पैसा होके भी लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे दिख रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। सिर्फ इसी कदम से काला धन रुक जाएगा यह भी नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आवश्यक सुधार है वो हमें देखने को मिलेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पर और क्या क्या प्रभाव हो सकता है इस कदम का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी अर्थव्यवस्था को संभलकर और इस काला बाजार एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था है भारत में और इसका सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आ पाया कि कितने लाख करोड़ का काला धन भारत के बाजारों में और दूसरे बैंकों में विश्व में रखा हुआ है। बड़ी बात यह है कि 15,000 करोड़ रुपए का नकद भारत में हर रोज चलन में होता है। उस नकद में से एक बड़ा आंकड़ा यह सामने आया कि 80% जो है वो बड़े नोट है, उसमें भी 1000 के नोट की चलन की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की पिछले उतने ही समय में उस तेजी से गति नहीं बढ़ी है। तो अगर गति बढ़ी है 30% से और नकद के नोटों का चलन बढ़ा है 80-90% से, तो इससे समझ में आता है कि बीच में जो हमें गैप दिखाई दे रही है, जो अंतर दिखाई दे रहा है, वो अंतर दरअसल काले धन का है। इस काले धन को रोकने के लिए तुरंत एक जो बड़ा कदम उठाया जा सकता है जिसके झटका लगे, इस अर्थव्यवस्था में जो काला धन है वो अर्थव्यवस्था से एकदम से बाहर हो जाए, वो यही एक झटका देने वाला कदम हो सकता था। इसमें बात सिर्फ काले धन की नहीं है, जाली नोट इस देश के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द रहे हैं। ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और दाऊद इब्राहिम, ये दोनों मिलकर एक भयानक खेल भारत में खेलते आए हैं। वो दरअसल भारत में पैसा जो लगाते हैं वो आधिकारिक पैसा है, वो होता ही नहीं है। ये रैकेट पकड़े जाते रहे, नेपाल के रास्ते पैसा आता है, बांग्लादेश के रास्ते पैसा आता है, पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों से पैसा आता है ये सब। और आतंकवादियों को जो नेटवर्क में पैसा मिलता है चीजें खरीदने के लिए, भारत में आतंक को फैलाने के लिए, वो जाली नोट होते हैं। तो वो 500-1000 के जाली नोट होते हैं क्योंकि उनको ले जाना आसान होता है। छोटे नोट 50-100 के तो ले जाने होंगे तो ज्यादा जगह चाहिए, खतरे ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए बड़े नोट जो हैं वो जाली नोट छपकर भारत के बाजार में छा चुके थे और वो कितनी संख्या में इसका भी ठीक अंदाज लगाना मुश्किल हो गया था। आपने देखा होगा कि 500 के नोटों को पिछले कई सालों से ही संदेह की नजर से देखा जा रहा है और कई दुकानों में मशीन रखी है कि वो जांचे कि 500 को, और उसके बाद भी बैंकों में तक गफलत हुई है। बैंकों में भी ये पकड़ना मुश्किल हो गया है कि 500 का नोट असली है या नकली। तो उस नकली नोट को और काले धन को एक साथ एक झटके में अगर बाहर करना है तो निश्चित तौर पर यही एक तरीका था। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे और सारे अर्थशास्त्रियों की राय को अगर हम शामिल करें तो वो परिणाम अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे। यानी कि इस फैसले के बाद काला धन बाहर आएगा या फिर जहां है वहीं दफन होकर रह जाएगा? कुछ धन तो बाहर आएगा, क्योंकि कुछ धन ऐसा होगा जिसको वो चाहकर भी बाहर नहीं ला रहे थे या छुपाकर रखना चाह रहे थे या घोषणा नहीं कर रहे थे। इसमें एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह की सख्ती इस बार काले धन को घोषित करने के लिए बरती गई थी, शायद उसका संकेत लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। यदि आप वित्त मंत्री अरुण जेटली के और प्रधानमंत्री के लगातार होने वाले बयानों को और इनकम टैक्स विभाग ने इस बार जिस तरह के विज्ञापन जारी किए थे, जिस तरह की घोषणाएं की थी, उनको ध्यान से सुने कि आप कर दीजिए 30 सितंबर तक कर दीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। लोगों को लगा कि परिणाम का मतलब यह होता है कि शायद जिस तरह से इनकम टैक्स से छापे पड़ते हैं पड़ेंगे, और छापे सब जगह तो आप कर नहीं सकते, सारी जगह छापे मारना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। छापों में भी धन सामने नहीं आ पाता, कई बार मिलीभगत हो जाती है अधिकारियों की और जिस पर छापा पड़ा उसकी सांठगांठ हो जाती है, ये भी एक कड़वा सत्य है। तो इन सारी चीजों से परे जाकर
कैसे उस काले धन को या तो बाहर ले आए या जहां है वहीं सड़ा दें, इसी के लिए ये उपाय किया गया है। सारा काला धन बाहर नहीं आएगा, लेकिन जैसा हमने देखा कि रात में होड़ मच गई, लोग सोना खरीदने के लिए बाहर आए, सोना अगर वो खरीद रहे हैं तो निश्चित तौर पर उससे वो पैसा सफेद हो रहा है, और सोना खरीद लेना ही कोई सही उपाय भी नहीं है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर का सोना आप खरीदेंगे तो पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसी बहाने कुछ ऐसा धन, निश्चित तौर पर जिस धन को लेकर सोना खरीदने वाला व्यक्ति विश्वस्त था, आश्वस्त था कि इस धन को वो अगर घोषित करना भी चाहे तो कर सकता है, घोषित नहीं कर रहा था क्योंकि उसको काला बनाए रखना चाहता था, उस पर टैक्स नहीं देना। काला धन दरअसल क्या है? काला धन कोई ऐसा 100 का नोट नहीं है हाथ में रखा हुआ कि ये काला और दूसरा जो है वो सफेद है। दरअसल अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं और उस पर आपको 10% या 20% या 30% या अधिकतम 33% आयकर लगता है, जो भी देना था वो आपने नहीं दिया है तो गलत है। यदि आपको अधिकतम सीमा में भी मान लें तो आपने 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से आपको 30 रुपए सरकार को देने चाहिए, 70 रुपए तो आपके फिर भी सफेद है, लेकिन आपने पूरा 100 का नोट अपनी जेब में रख लिया। तो आज की तारीख में भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें से कुछ पैसा ऐसा है जिसको आप इनकम के रूप में दिखा सकते हैं तो करेंगे, काला धन बाहर भी आएगा। और जिन लोगों ने जरूरत से ज्यादा इस देश को लूटा है, भ्रष्टाचार फैलाया है, रिश्वत खाई है, बोरों में भरकर पैसा है, हमारे पास ये खबरें आती रही हैं, लोग पैसों की गड्डियों पर सोते हैं, जिन्होंने इस निर्लज्ज तरीके से इस देश को पिछले कई सालों में लगातार लूटा है और नोटों की गड्डियों पर सोकर मेहनत करके पैसा कमाने वाले, टैक्स भरने वाले ईमानदार आदमी का मजाक बनाया है, आज वो खुद और उनका पैसा एक मजाक बनकर रह गया है। ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा कदम लेने से पहले थोड़ी और तैयारी की जरूरत थी ताकि लोगों को ये तात्कालिक परेशानियां नहीं उठाना पड़ती? ये जरूर है कि जो तत्कालिक परेशानियां हुई हैं उनसे बचने के और बेहतर उपाय हो सकते थे, लेकिन कोई भी समय सही समय नहीं होता। दरअसल ये है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप सोचते ही रह जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सोचा समझा था कि रात की 8 बजे घोषणा की गई, क्योंकि बैंक आधिकारिक रूप से बंद हो चुके थे, केवल ATM चालू थे और 8 बजे से 12 बजे यानी केवल 4 घंटे का समय दिया गया। इससे ज्यादा समय देने पर आम जनता को शायद कम परेशानी होती, लेकिन जो लोग अपने पैसे को रफा दफा करने में सक्षम है उनके पास ऐसे रास्ते खुले रहते जिससे वो इस पैसे को रफा दफा कर देते, तब तो फिर इसका उद्देश्य ही पूरा विफल हो जाता, आम आदमी को शायद थोड़ी परेशानी कम होती। लेकिन अगर लोग अपने काले धन को रफा दफा करने में सफल हो जाते तो ये पूरी कवायद धरी रह जाती। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे 1000 और 500 के नोट बंद करने के सरकार के बड़े फैसले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।